हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल रेडी रूट्स में एक बार फिर से। और आज यहां पर हम लेकर आए एक जबरदस्त नई वीडियो, तो दोस्तों आखिर तक जरूर देखना। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहां पर पोको M3 का कैमरा टेस्ट। तो भाई मैंने यहां पर इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल दी थी, तो उसे भी आप जरूर देख लेना एक बार। और जो ये इसका प्राइस है दोस्तों, अंडर 10K आएगा इंडिया में जनवरी में। हो सकता है दोस्तों इसी महीने ये फ़ोन यहाँ पर लॉन्च हो जाए। तो दोस्तों ये मेरे पास ग्लोबल वेरिएंट है और इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो देखने को मिल जाते हैं। तो 2-2 मेगापिक्सल के दोस्तों सेंसर है। हेलो 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 हेलो। और दोस्तों इसमें आप यहां पर 180p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, साथ में स्लो मोशन के ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आपको 4K दोस्तों इसमें अवेलेबल नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों सेल्फी की बात करूं तो 8 मेगापिक्सल की यहां पर सेल्फी देखने को मिलती है, जिसपे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी रही बात ऑप्शन की, तो आपको दोस्तों सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलते हैं। तो लगभग दोस्तों सारे जितने की आपको एक बजट फ़ोन में देखने को चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो फटाफट से दोस्तों सैंपल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये 48 मेगापिक्सल के सैंपल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। और भाई जो स्काई में देखिए यार, क्या शानदार फोटो यहाँ पर निकल कर आई है। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप मतलब दोस्तों सनी डे में फोटोज़ लोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। जितने भी दोस्तों ये शॉट दिखाए मैंने आपको, तीनों के तीन यहाँ पर 48 मेगापिक्सल से लिए गए थे। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों कंट्रास्ट लेवल इसमें आपको देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों, अगर आप AI मोड में यहाँ पर फोटो क्लिक करते हो तो किस तरीके की आपको क्वालिटी यहाँ पर देखने में मिलेगी। तो अगर AI मोड की दोस्तों बात करें तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पे दोस्तों जो फोकस है, क्लियरिटी है, सैचुरेशन लेवल है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फेक कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस फोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं, भले यहाँ पर जो दोस्तों स्काई है वो तो वॉश आउट हो चुका है, उसकी दोस्तों बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बिल्डिंग है, ऑब्जेक्ट है, वो काफ़ी सही से यहाँ पर निकल कर आया है। उसमें दोस्तों कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें दोस्तों HDR मोड की, तो HDR मोड दोस्तों यहाँ पर उससे भी अच्छा काम करता है। हाई डेफिनेशन क्वालिटी की आपको यहाँ पर फोटोज दोस्तों देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्काई वगैरह दोस्तों ब्लोन आउट नहीं हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट है, और पोर्ट्रेट में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। एज डिटेक्शन दोस्तों काफ़ी सही है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा मैंने बोला था आपको, डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो दोस्तों काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। तो पोर्ट्रेट शॉट में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप ऑसम यहाँ पर शॉट्स ले सकते हैं। बात करें दोस्तों डायनेमिक रेंज की, तो ये पहाड़ी दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाई होगी, 7-8 किलोमीटर दोस्तों दूर है यहाँ से। तो लेकिन डायनेमिक रेंज आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सही निकल कर आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं है। बात करें ह्यूमन शॉट्स में, तो ह्यूमन शॉट्स में दोस्तों मेन होता है कि आपकी जो स्किन टोन है वो कैसी निकल कर आई है। तो इसमें दोस्तों मुझे कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला है, मतलब क्लोज टू दोस्तों नेचुरल यहाँ पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं। बात करें दोस्तों सेल्फी की, तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको प्रोवाइड किया गया है। जानकर दोस्तों ज़्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन बजट रेंज है दोस्तों, और इस तरीके की आप यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी आपको। तो सेल्फी में दोस्तों मैं बोलूँगा कि उतना सही नहीं है, लेकिन हाँ पोर्ट्रेट शॉट दोस्तों काबिले तारीफ यहाँ पर कहूँगा। इसके पोर्ट्रेट शॉट आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर निकाल सकते हो, तो पोर्ट्रेट शॉट में दोस्तों कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो सैंपल की। दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर फुल HD पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें आपको EIS इनेबल है, लेकिन EIS उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। वीडियो में दोस्तों थोड़े से यहाँ पर झटके आपको दिखाई देंगे अगर आप यहाँ पर काफ़ी शेकी वीडियो निकालते हो। फिर भी दोस्तों मैंने तो ट्राइपॉड स्टैंड से ये वीडियो बनाई है, तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई। और बात करें दोस्तों स्लो मोशन की, तो इसमें आप स्लो मोशन बना सकते हो, और स्लो मोशन बनाने के लिए दोस्तों आपको कितने फ्रेम पर सेकंड यहाँ पर वीडियो निकालता है ये फ़ोन, ये यहाँ पर शो नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अच्छी स्लो मोशन वीडियो निकालनी है, तो आपके पास दोस्तों वहाँ पर वेदर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लाइट दोस्तों है जो वो ऑब्जेक्ट पे अच्छे से पड़नी चाहिए, नहीं तो आपकी दोस्तों वीडियो एकदम बेकार सी बनेगी। बाकी दोस्तों बजट फ़ोन है, तो वैसे सब कुछ यहाँ पर ठीक ही है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप एक अच्छे वेदर कंडीशन में फ़ोटो लेते हो तो कुछ इस तरीके से आएगी। ये दोस्तों 48 मेगापिक्सल में मैंने ली है, तो क्लियरिटी वगैरह की कमी इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। डिटेल्स यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। नज़दीक से दोस्तों अगर आप AI में फ़ोटो लोगे किसी ऑब्जेक्ट की, तो भाई
ऑटोमेटिक जो बोके होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, और इसमें दोस्तों कोई कमी नहीं है। तो MI के फोन में दोस्तों जो ऑप्टिमाइजेशन है काफ़ी सही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो आपको देखने को मिलेगा। तो जो दोस्तों मैक्रो है, मैं तो वैसे यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी निकल कर आती है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों आप यूज़ करते हो या नहीं। नाइट शॉट दोस्तों इंडोर में कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो बजट फ़ोन है दोस्तों, उतना अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक सा यहाँ पर परफॉर्म ये फ़ोन कर रहा है। बात करें दोस्तों नाइट मोड की, तो नाइट मोड आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि नाइट मोड से मैंने फ़ोटो खींची है, लेफ्ट साइड पे दोस्तों नॉर्मल शॉट है। तो इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्हांसमेंट है, काफ़ी लाइट यहाँ पर भरी गई है ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, तो मुझे सही लगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो में जो कमी है उसको दोस्तों कमेंट सेक्शन में